पश्चिम बंगाल के आसनसोल में धधक रही हिंसा की आग तो फिलहाल काबू में है, लेकिन ये हिंसा जाते जाते इस शहर को गहरे जख्म दे गई। इसी जख्म का शिकार हुआ ये शख्स शहर में शांति की अपील कर रहा है। इसने इस हिंसा की आग में अपने कलेजे के टुकड़े को गंवा दिया। रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटना में अपने बेटे को खोने वाले नूरानी मस्जिद के इमाम इम्तदुल्ला रशीद ने कहा, मैंने अपना बेटा खोया है, इसे मुद्दा ना बनाएं। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो अमन बहाल करें और बदला लेने की बात भूल जाएं। कि मैंने कहा मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं है, मुझसे अगर मोहब्बत है, मैंने तुम्हारे सामने 30 साल दिया है, मुझसे मोहब्बत है तो आप इस शहर को आम पुरान रखो, इस शहर को शांति से रखो, इसमें किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। अपना जवान बेटा खोने वाले इमाम राशिद ने पूरी घटना का जिक्र करते हुए कहा, मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था, भीड़ आई, शोर मचा, बाहर निकला तो उसको इन लोगों ने टान लिया। दूसरा बेटा आया आकर के पुलिस को बोला कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसे ऐसे मतलब ये परेशानी उसके साथ है, उसको पकड़ लिया वो लोग, उन लोगों ने उसको ला के यहाँ पकड़ा, 1:30 बजे रात में छोड़ा, समझा कि नहीं, उसके लिए कोई कोशिश नहीं। आप जो है आप उसको किसी को गाली बकिएगा तो हम लोग जैसा आदमी तो गाली सुन के चुप हो जाएगा, लेकिन जब बदमाश किस्म के आदमी को गाली सुनने में गाली वाला है। मंगलवार को भड़की हिंसा के दौरान हफीज लापता हो गया था। अगले दिन उसका शव मिला था। उसके शरीर और सिर पर गहरी चोट के निशान थे। 16 साल के हफीज ने पश्चिमी बंगाल शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।